क्या मैं देख सकती हूँ किसको मेरे ऊपर क्रश है? वाओ, एक्सेप्ट। हाय चिंकी। हाय लल्लू। चिंकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहरी हो गई हूँ। बाय। हाय राहुल। हाय चिंकी। क्या आज रात को हम लोग मूवी देखने चल सकते हैं? वो क्या है ना कि आज मैं प्रिया के साथ जा रहा हूँ, तो आज तुम किसी और के साथ चली जाओ। चिंकी, मैंने प्रिया को तुमसे पहले बोल रखा है। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। बाय। बाय। हाँ, राहुल को तो मेरे पे थोड़ा सा भी क्रश नहीं है। हाय चिंकी। हाय मंजुलिका। चिंकी, क्या आज हम दोनों मूवी देखने चले प्लीज? मूवी और तेरे साथ चलना चिंकी प्लीज। छोड़ मेरा हाथ, छपरी कहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चिंकी। गुड मॉर्निंग सर। क्या तुम सब लोगों ने मैथ्स का होमवर्क किया? जल्दी से दिखाओ। सर, मैं मैथ्स बहुत वीक है, मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया है। कोई बात नहीं चिंकी, तुम मुझसे मैथ्स की कोचिंग ले सकती हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बाय। प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा टाइम मिल जाए। हाँ, इन्फिनिटी। हाँ, मुझे लगता है मुझे इसे प्राइवेट कर देना चाहिए, मुझे पता चल जाएगा कि लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। चिंकी, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई, तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हो। लगता है इसे आज भी सुनने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। चलो अच्छा है, इसे हमारी बातें सुनाई भी नहीं देगी और इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारी सौतेली बेटी है। वाह करण, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो पूरे कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल है। हाँ यार, मैं बस इस चिंकी को इसीलिए डेट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पॉपुलर गर्ल है। सीरियसली करण, अच्छा है कि ये तेरी बातों को सुन नहीं सकती। करण, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। क्या क्या तुम सुन सकती हो? क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तुमसे सिर्फ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती तुम आगे से मेरे साथ दिखाई पड़ो। ये लीजिए सर, मेरा टेस्ट। थोड़ी देर के बाद मैं इस चिंकी से अपना टेस्ट एक्सचेंज कर लूंगी। सीरियसली कमालिका, अच्छा वो उसे सुनाई नहीं देता। ये लो चिंकी, तुम्हारे 0 मार्क्स आए हैं, और कमालिका तुम्हारे 100 मार्क्स आए हैं। सर, कमालिका ने मेरी चीटिंग की, मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए और उसके कम। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कल मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम सुन सकती हो। तुम अभी क्या, अभी इसको पब्लिक करो। ओके, सब लोग चैप्टर 8 निकालो। हे भगवान, ये मटका सर की पकोड़ी जैसी नाक देखकर कि तो पढ़ा हुआ भी भूल जाए, और इनके नाक पे इतना बड़ा पिंपल, पता नहीं किस क्रीम की ऐड कर रहे हैं। चिंकी, अभी के अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस चलो। लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? तुम्हारा दिमाग ही बहुत है गंदी गंदी बातें सोचने के लिए। लेकिन जल्दी चलो। चिंकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मटका सर की इंसल्ट की और उनके पकोड़े जैसे नाक का मजाक उड़ाया? सर, आई मीन उनका मजाक उड़ाया। आई नो सर, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग मेरे मन की बात सुन पा रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरे मन की बात सुने। मैं समझ सकता हूँ चिंकी, लेकिन तुम गंदे की जगह अच्छी बातें भी तो सोच सकती हो ना। हे भगवान, हो गया इनका भी चालू। ओके सर, मैं समझ गई, आगे से ये गलती नहीं हो। चिंकी, प्रिंसिपल सर ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ। ये तो अच्छा हुआ चिंकी, वरना एक दिन गाना गाने की वजह से प्रिंसिपल सर ने मुझे प्रेजेंटेशन गाना गाते हुए देने को बोला। अच्छा हुआ उस दिन मैं स्कूल नहीं आई थी, वरना मुझे इसकी बेसुरी आवाज़ सुननी पड़ती। क्या कहा तूने? हाँ, बाय। हाँ, थैंक गॉड, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे मन की बात कोई सुने। तो मैं किसकी लाइफ कंट्रोल करूँ, मेरी मम्मी की या मेरे पापा की? मैं तो अपने पापा की लाइफ कंट्रोल करूँ। पापा को शराब पीने दूँ या रोक दूँ? नहीं नहीं, मैं उनको शराब बिल्कुल नहीं पीने दे सकती। तुम्हारे पापा गुस्से में हैं। हे भगवान, आज तो पापा मुझे जान से ही मार देंगे। चिंकी, मुझे पता है तुमने ही कुछ किया है ना? नहीं पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोलना बंद करो, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपने पापा से मार खा लो या बच जाओ, बोलो मुझे। चुपचाप अपने रूम में जाओ और मेरे सामने बताना तुम। पापा को ऑफिस जाना चाहिए, यस और नो? यस। कार से जाना चाहिए या बस से? हाँ, पापा तो हमेशा बस से जाते हैं, अब उन्हें कार से जाना चाहिए। हेलो, आप मुकेश जी के घर से बात कर रही हैं? हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से आप सिटी हॉस्पिटल में पहुँच जाइए। क्या,